नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक से। जल्दी बोल दिया। पीएम मोदी ने येदियुरप्पा के जोश और विदाई भाषण की सराहना की, बोले हमारी पार्टी की नैतिकता को दर्शाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का दावा, सीबीआई सिसोदिया को रविवार को अरेस्ट कर लेगी दिल्ली। सीएम बोले यह बहुत ही दुखद। उधर ठाकरे ने केजरीवाल और भगवंत मान से मुलाकात की, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर की चर्चा। विदेश मंत्री जयशंकर ने दूसरे देशों को दिया भरोसा, जन औषधि जैसी योजनाओं को लागू करने में मदद करेगा भारत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, बोले देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में। राहुल गांधी की टिप्पणी पर मंत्री, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, बोले देश को बदनाम करने की कोशिश होगी नाकाम। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार कर्मचारियों को 6% डीए देने की घोषणा की, अधिसूचना जारी। नागालैंड चुनाव को लेकर कांग्रेस की महिमा सिंह का बड़ा बयान, बोली पूर्वोत्तर को कौन लूट रहा है, जनता देगी जवाब। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने की है तीसरी गारंटी की घोषणा, प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज देने का वादा। पीएम मोदी का विपक्ष परिवार, कुछ दल मोदी के मरने का इंतजार कर रहे हैं, हम हर धर्म के लिए काम करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने बिहार के मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है, अग्निवीर योजना का दिया था विवादित बयान। पीएम मोदी ने की तेमजन एमना की तारीफ, नागालैंड के मंत्री ने कहा गुरुजी ने बोल दिया बस, हम तो धन्य हो गए। एमपी में सड़क हादसा, 15 की मौत, 40 घायल, टायर फटने से बेकाबू ट्रक ने 3 बसों को टक्कर मारी, 2 खाई में गिरी, 1 पलटी। कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, दहशतगर्दों ने हेड कांस्टेबल के बेटे को गोली मारी, हालत गंभीर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। इसरो को गंगायान प्रोजेक्ट के लिए टेस्ट क्रू मॉड्यूल मिला है, पहला स्वदेशी मॉड्यूल वीएसएससी ने डेवलप किया। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उमेश पाल हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज ट्विटर पर किया शेयर, सरकार पर कसा तंज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अखिलेश पर तंज, बोले सपा को जाति गणगणना पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक, पत्नी शाइस्ता, परवीन बेटों और भाई अशराफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पूर्व सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह को 1 माह की सजा, बिजनौर में 8 साल पहले सड़क किया था जाम, एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई सजा। अमेठी पहुंची भाजपा प्रांतीय मंत्री कविता यादव त्रिपाठी, अमृतकाल के बजट और लोकसभा चुनाव पर महिलाओं संग की गई चर्चा।
कूड़ा कलेक्शन सेंटर अग्निकांड में इको ग्रीन पर एफआईआर, नगर निगम के पर्यावरण अभियंता ने दर्ज पुरानी गाड़ियां जलाने के बाद लिया एक्शन। अयोध्या में युवक की पिटाई, एसएसपी से की शिकायत, बोला चार लोगों ने मिलकर पीटा, वीडियो भी बनाया। भदोही में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, सेवा केंद्र से लूट के मामले में था फरार, दूसरा साथी फरार। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, शमशान घाट में शव उठा ले गई मथुरा पुलिस, मायके वाले बोले बेटी की हत्या की गई। तेंदुआ पकड़ने के लिए लगाया गया था पिंजरा, आदमी फंस गया, पिंजरे में रखा मुर्गा उठाने गया, टच करते ही दरवाजा बंद हो गया। शादी में मेहमान बनकर पहुंचे, रुपए का बैग चुराकर फरार, होटल होली डे इन में थी शादी, चारों ने पहले बारात में किया था डांस। मेरठ कोल्ड स्टोरेज हादसा, 700 किलोमीटर दूर ले गई मौत, काम करने आए थे मजदूर, काम शुरू होने से पहले मलबे में ढेर हो गई जिंदगी। महोबा एसपी ने जिले में की नाकाबंदी, प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को लेकर डीजीपी के निर्देश, संदिग्धों की हुई चेकिंग। चिटफंड कंपनियों में जमा रकम को लौटाएगी सरकार, आगरा में खेरागढ़ तहसील में फार्म जमा करने उमड़ रहे हैं जमाकर्ता। कानपुर में सड़क हादसा, मिला देकर घर जा रही थी मां बेटी को कार ने मारी टक्कर, बेटी की इलाज के दौरान हुई मौत। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधियों का डेलीगेशन पहुंचा काशी, भव्यता और दिव्यता देकर खुश, मां गंगा की भव्य आरती में हुई शामिल। संत जोगा सिंह की समाधि स्थल पर लगा मेला, दुल्हन की तरह सजकर पहुंची नवविवाहिताएं, मिट्टी चढ़ाने के बेटे प्राप्ति की मान्यता। बीएचयू कैंपस में हॉर्न बजाना प्रतिबंधित, दो पहिया वाहन पर सिर्फ दो लोग बैठेंगे, स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा नोटिस जारी। मिर्जापुर में आईपीएस राजीव नारायण मिश्रा बने प्रभारी, एसपी माता विद्वासनी के दरबार में किया दर्शन पूजन। ग्रेटर नोएडा में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, लाखों के सामान, दो ट्रक समेत चार गाड़ियां जलकर, छह दमकल की गाड़ियां ने आग बुझाया। सीतापुर सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, दो बच्चे घायल, सड़क पार कर रहे थे सभी, अनियंत्रित बाइक ने मारी टक्कर। बरेली में पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल, शाम होते ही महिलाओं से लूटे थे चैन और मंगलसूत्र, प्रेमिका के साथ करते थे पार्टी। उन्नाव में खड़े ट्रक से टकराई बाइक, चालक की मौत, हादसे में बाइक सवार दो साथी गंभीर, लखनऊ की ओर जा रहे थे। शराबी बेटे ने पिता पर धारदार हथियार से किया वार, मुकदमा दर्ज, गाली गलौज करते को मना कर रहे थे। गाजीपुर में जल निगम पर बिजली चोरी का आरोप, एक कनेक्शन पर कई उपभोक्ताओं का मामला। अमरोहा में बस ने ट्रैक्टर ट्राली को मारी टक्कर, तीन लोग गंभीर रूप से घायल, गन्ना लदी ट्राली जा रही थी चीनी मिल।
सहारनपुर में फुकरान हत्याकांड का खुलासा, बदला लेने के लिए दो सालों ने मिलकर की थी हत्या। भदोही में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, सेवा केंद्र से लूट के मामले में था फरार, दूसरा साथी फरार। कौशाम्बी में होली के रंग में भंग का अलर्ट, खुफिया एजेंसियों ने आधा दर्जन स्थानों पर जताई बवाल की आशंका, पहले भी हुए थे बवाल। लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्रों का हंगामा, निरीक्षण करने पहुंचे प्रोविस्ट ने छात्र के मारे 15 थप्पड़। भगत सिंह कोश्यारी का बड़ा बयान, बोले हिमालय जैसा स्वच्छ और गंगा जैसा पावन राज्य बने उत्तराखंड। लोकसभा के चुनावी संग्राम से पहले भाजपा की तैयारियां, चुनावी संग्राम में पहले मोर्चा संभालेगी 3.39 लाख सक्रिय कार्यकर्ताओं की फौज। उत्तराखंड में दुष्यंत गौतम का वार, सोनिया व उनके बेटे जमानत पर छूटे, मोदी धामी सरकार पर कोई आरोप नहीं। उत्तराखंड में खर्च के मामले पर सख्त होगी अब प्रदेश सरकार, तय होगी विभागों की जिम्मेदारियां। अंकिता हत्याकांड पर नार्को टेस्ट के लिए एसआईटी ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब, कसाब श्रद्धा मामले को बनाया नजीर। अमृतसर की घटना के बाद उत्तराखंड में अलर्ट, एसएसपी की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के आदेश। उत्तराखंड में 2 माह से हिमालय में आराम फरमा रहा था राजा जी का बाघ, की जा रही है मॉनिटरिंग। उत्तराखंड के सिंहद्वार में शिला के पास पुस्ता रहा, सुनील गांव में दरारों की चिंता बढ़ाई परिवार सहमे। उत्तराखंड में ऊर्जा प्रदेश पर मंडराया संकट, रिजर्व बैंकिंग बंद, केंद्र से भी अतिरिक्त बिजली पर संशय। कोरोना मुक्त हुआ उत्तराखंड, कोई भी सक्रिय मामला नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों की थपथपाई पीठ। उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों का बढ़ रहा है उत्साह, बाराद्री केदार के लिए 4 दिन से 1 लाख ने कराया पंजीकरण। उत्तराखंड में कोविड से अनाथ 6,319 बच्चों को 25 फरवरी को जारी होगी सहायता राशि, दिसंबर और जनवरी में मिलेगी। देहरादून के अठूरवाला में दर्दनाक हादसा, संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी आग, जिंदा जले 65 वर्षीय महिला। फर्जी कंपनी बनाकर सरकार को लगाया 24 करोड़ का चूना, 3 जालसाज कारोबारियों पर केस। हरदोई में थाने की दीवार फांदकर फरार हुआ आरोपी, मचा हड़कंप, कोर्ट में पेशी के लिए निकला था बाहर। नेपाली कांग्रेस से रामचंद्र पौंडियाल होंगे राष्ट्रपति के उम्मीदवार, 8 राजनीतिक दलों ने भी दिया समर्थन। इंसानों में बर्ड फ्लू का खतरा, कंबोडिया में लड़की की मौत के बाद पिता की रिपोर्ट भी पॉजिटिव, WHO ने दी चेतावनी।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, बोले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने लगाया चीन पर रूस का साथ देने का आरोप, अब बाइडेन बोले इसके सबूत नहीं। इंशाअल्लाह हम ट्रंप को मारेंगे, खतरनाक क्रूज मिसाइल तैयार करने के बाद ईरान ने दी है धमकी। रूस का बैटल प्लान जासूसों ने बनाया, यूक्रेन की फौज सियासत में कई गद्दार, ये पुतिन के जासूस यूएस यूरोप में भी महफूज नहीं। ग्रैमी अवार्ड विनर बैंड का रूस यूक्रेन पर एल्बम, एक गाने ने यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की की भी आवाज, कमाई बेघरों को दान करेंगे। पहली बार इंडोनेशिया पहुंची इंडियन नेवी की पनडुब्बी, खतरनाक हथियारों से लैस, सिंधु केसरी ने साउथ चाइना सी पार किया। यूक्रेन युद्ध में पीछे हटने को तैयार नहीं पुतिन, यूरोपीय संघ ने फिर लगाए कई प्रतिबंध। एएफटीएफ ने रूस की सदस्यता निलंबित की, कहा यूक्रेन के खिलाफ हमले की कड़ी निंदा करते हैं। अडानी हिडन वर्क विवाद से एलआईसी को बड़ा नुकसान, ऑल टाइम लो पर पहुंचा एलआईसी का शेयर। पॉपुलर ज्वेलरी चैन पर ईडी की कार्रवाई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने जोया कुलास की 305 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। ₹27,000 महंगी हुई मारुति इग्निस रियल ड्राइविंग एमिशन आरडीई नॉर्म्स के अनुसार अपडेट हुई कार। बढ़ती गर्मी ने ऊर्जा संकट की चेतावनी दी, अप्रैल में रिकॉर्ड 239 गीगावाट पहुंच सकती है बिजली की मांग। ₹5,100 पायलट क्रू की भर्ती करेगी एयर इंडिया, विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 11 हफ्ते के निचले स्तर पर। G20 बैठक में बोले आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास, बड़ी मंडी के उम्मीद कम लेकिन चुनौतियां बरकरार। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 6% महंगी भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा। टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन की छटनी करने का किया है फैसला, कंपनी दुनिया भर में करेगी 8,500 कर्मचारियों की छटनी। विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे हफ्ते बड़ी गिरावट, $5.68 अरब कम हो गया कोष। अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 8 में गिरावट, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से ग्रुप का मार्केट कैप 61.6% पहुंचा। विराट कोहली ने कप्तानी को लेकर जाहिर की प्रतिक्रिया, बोले मुझे अफजल कैप्टन माना जाता है। भारतीय महिला क्रिकेटर पर भड़की पूर्व कप्तान डायना एंडुलजी, बोली 15 में से 12 खिलाड़ी यो टेस्ट में फेल हो जाएंगी। इंग्लैंड के हैरी ब्रुक ने सुनील गावस्कर और विनोद कांबली का रिकॉर्ड तोड़ा, डॉन बैडमैन को भी पीछे छोड़ा।
टेस्ट सीरीज में वापसी के लिए जमकर हो रही है तैयारियां। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने 4 में से 5 घंटे लगातार किया अभ्यास। पाकिस्तान सुपर लीग में दिखा आजम खान का तूफानी 97 रनों की पारी के दौरान लगाए 6 छक्के। पहली बार वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में फाइनल में साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को 6 रन से हराया। अब रविवार को ऑस्ट्रेलिया से सामना। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारने के बाद रो पड़ी हरमनप्रीत। इंडियन कैप्टन ने चश्मा लगाया, बोली नहीं चाहती देश मुझे रोता हुआ देखे। बैंड कमिंग्स नहीं खेलेंगे इंदौर टेस्ट। बीमार मां की देखभाल के लिए ऑस्ट्रेलिया लौटे स्मिथ, संभालेंगे जिम्मेदारी। रूट ब्रुक के बीच 294 रनों का नाबाद पार्टनरशिप। इंग्लैंड ने पहले दिन 315-3 का स्कोर बनाया। ब्रुक दोहरे शतक के करीब। नासिर हुसैन के बयान पर हरमनप्रीत कौर का पलटवार, बोली हम बहुत परिपक्व हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं। फिल्म सेल्फी की बॉक्स ऑफिस पर हुई खराब शुरुआत, थिएटर्स में नहीं पहुंचे ऑडियंस। पड़ोसी देश से लौटने के बाद जावेद अख्तर बोले पाकिस्तान का बनना मानव इतिहास की सबसे बड़ी भूल। पंजाब में थाने पर हमले में कंगना की एंट्री, बोली ऐसा होगा 2 साल पहले बताया था। नॉन खालिस्तानी सिख मंशा क्लियर करें। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ रेप का केस, एम्स बाई आलिया ने दर्ज कराया हमला। फोटो लीक विवाद के बाद पेपराजी में मिली आलिया भट्ट, पिंक ओवरसाइज सूट में लगी गॉर्जियस। आशिकी 3 की जोड़ी हुई कंफर्म, सारा कार्तिक एक बार फिर साथ आ सकते हैं नजर। फिल्म के मेकर्स ने सारा अली खान को किया अप्रोच। लंबे समय बाद कजिन रणवीर कपूर के साथ दिखेंगी करीना, रेड ड्रेस में लगेंगी गॉर्जियस। फैंस बोले ओरिजिनल कपूर। नो मेकअप लुक्स में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई सुहाना खान। दीपिका पादुकोण का दिखा स्टाइलिश अवतार, फैंस के साथ क्लिक करवाई सेल्फी। RRR फिल्म के गाने पर थिरकी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हार्दिया आमिर, नाटू नाटू पर दोस्तों के साथ किया जबरदस्त डांस। परेश रावल ने हेराफेरी 3 के प्लॉट का दिया हिंट, बोले बाबू भैया राजू और शाम विदेश जाएंगे और वहां हेराफेरी करेंगे।